हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेसन, जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन के वजह से हमें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो गई समझना। जैसे कि आपको पता है कि अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और हर बच्चों को अगर मुझे एक प्रॉपर नोटेशन देना है, जैसे आपको पता है ग्रीन हाउस, रेड हाउस, तो उससे पता चल जाता है अगर वो रिबिन ग्रीन कलर का पहने तो हम बोलेंगे ये कौन से हाउस के हैं, अगर रेड कलर के पहने हैं, ऑरेंज कलर के पहने हैं, तो एक हम क्लासिफाइड कर देते हैं, जिसके कारण से हमें प्रोडक्ट से पता चल जाता है ये कौन से हाउस के हैं। उसी तरह दोस्तों हम एलिमेंट को भी क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, जिससे हमारे लिए अगर हमें आगे उस पर कुछ रिसर्च करना है, एलिमेंट्स का कुछ ज़रूरत है, जिस एलिमेंट जिस तरह का हमें ज़रूरत है उस तरह के एलिमेंट को हम डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये एलिमेंट यहाँ है तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ऐसी होगी, तो हमें ऑलरेडी पता रहेगा। इसीलिए हर एलिमेंट को एक क्लास दिया गया, एक जगह दिया गया कि भाई आप यहाँ रहो, यहाँ जो रहेगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, यहाँ जो रहेगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, यहाँ जो रहेगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी। तो ऐसे करके एक टेबल बनाया गया, वो टेबल है हमारा प्रेडिक्ट टेबल। क्या टेबल है? प्रेडिक्ट टेबल। ओके, तो हमें क्लासिफाइड कर रहा है। बट दोस्तों क्लासिफिकेशन इतना आसान नहीं रहा, क्लासिफिकेशन की कहानी बहुत लंबी है, तो हम ये स्टोरी एकदम स्टार्टिंग से सुनेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, तो स्टार्टिंग में बुक के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, कौन कौन से टाइप्स के मैटर होते हैं। तो आपको पता होगा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड फोर्थ टाइप भी होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। मेटालॉइड मतलब पता है दोनों का कंबाइन, उसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर कॉल्ड, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको क्या बोलते हैं, बताओ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, स्मॉल, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, क्या बोलते हैं दोस्तों, एटम बोलते हैं। ओके, What is the difference between the molecules of the element and the compounds? Molecules and compound के बीच में difference क्या है दोस्तों, बताओ difference क्या होता है। What is the difference between the molecules of the element and compound? तो दोस्तों बताता हूँ ना, सबसे पहले element, element contain only one kind of atom in free state as well as combined state। मतलब बताता हूँ, समझाता हूँ definition, मतलब एलिमेंट के अंदर दोस्तों अगर आप देखो, जैसे मैं गोल्ड, अगर मैं आयरन की बात लूँ, गोल्ड की बात लूँ, अगर ये सब एलिमेंट है तो उसके अंदर उसके जितने एटम होंगे वो किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। अगर गोल्ड की बात करूँ तो उसके अंदर जितने एटम होंगे वो किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे। ओके, तो दोस्तों सिल्वर की बात करूँ तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे किसके होंगे, सिल्वर के ही होंगे। तो दोस्तों एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं वो सेम ही होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम होते हैं, या तो फ्री स्टेट में या तो कंबाइंड स्टेट में। और वो दूसरे साइड अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड दिस सब्सटेंस वी कॉल्ड एज अ कंपाउंड। ओके, दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन से। हम क्या करते हैं, सो कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है वो मेरे लिए क्या हो जाता है, कंपाउंड। बट दोस्तों इसके अंदर प्रोपोर्शन क्या होता है, जो प्रोपोर्शन हमें रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोपोर्शन रखना है वो एकदम प्रॉपर रखना है। अब मान लो मैं NaCl बना रहा हूँ, ऐसे मान लो भाई, ऐसे बनाऊंगा नहीं मैं, वो तो लैब में बनेगा। NaCl बना रहा हूँ, सोडियम एंड क्लोराइड, बट सोडियम और क्लोराइड का जो रेशियो होगा वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। नहीं सर मुझे ऐसा मजा नहीं आता, मैं इसको थोड़ा ज्यादा नहीं चलेगा। चलो ये एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको आपके लेवल का एग्जांपल बताऊँ। H2O मतलब वाटर। ओके, H2O, तो आप बोलोगे कि सर नहीं सर मैं H3 रखूंगा, H2 नहीं रखूंगा, H3 रखूंगा, नहीं सर मेरे को अच्छा नहीं लगता, वहाँ 2 देखने में अच्छा नहीं लगता, H3 रख, तो चलेगा नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों when two or more एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और वो नया सब्सटेंस बनता है, और इसी नया सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, बट बाय केमिकल रिएक्शन का यूज करके। ओके, ऐसे नहीं कि घर में बैठे सोडियम और क्लोराइड से उठा के रख दिया हो गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको स्टार्टिंग में पूछा था।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेसन। अब लेसन अभी स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की जो स्टोरी स्टार्ट होती है, वो स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो स्टोरी स्टार्ट होती है डोबेराइनर से। डोबेराइनर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1817, दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में 1817 दिया हुआ है, जब मैंने पढ़ा था तो 1829 था। तो देखो ये नंबर भी बेचारा बुक बनाने वाला भी कंफ्यूज है कि हर साल चेंज हो जाता है, तो उन्होंने हो सकता है रिसर्च किया होगा तो कुछ नंबर का फर्क आया होगा, टेंशन नहीं ले रहा। ओके 1817 ध्यान देना, इन 1817 डोबेराइनर फाउंड सम ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट विच इज सो सेम प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी, दिस ग्रुप वी कॉल्ड एज अ ट्राइड्स। ओके मैंने क्या बोला बताता हूँ। 1817 में डोबेराइनर ने तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, तीन तीन एलिमेंट्स का मतलब एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट्स को रखा, और जब उसने मतलब उसको तीनों मतलब कैसे ग्रुप बनाया, मतलब मान लो ये वड़ा पाव खाता है तो ये भी वड़ा पाव खाना चाहिए और तीसरा वाला भी वड़ा पाव खाना चाहिए, मतलब कि एक ग्रुप में तीनों का जो प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टी है, और ऐसे एलिमेंट का उसने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, और ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। मतलब 1817 में डोबेराइनर ने तीन तीन एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाया, तीन तीन एलिमेंट्स को मिला के एक एक ग्रुप बनाया, विच इज सो सेम या सिमिलर प्रॉपर्टी, और वो एलिमेंट्स कैसा दिखा रहे, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे। ओके ऐसा एक ग्रुप बना, एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप वड़ा पाव खाने वाले का, एक ग्रुप जलेबी खाने वाले का, एक ग्रुप ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या करा, ग्रुप बनाया। भाई ये सब नहीं खाने का मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उनका उन्होंने क्या बनाया, ग्रुप बनाया। तो दोस्तों स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, स्टोरी आगे बाकी थी। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। देखो मैं आपको पॉइंट भी याद दिलाते जा रहा हूँ, बस इतना ही लिखना है एग्जाम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहला पॉइंट हो गया, एंड द सेकंड पॉइंट इज, आपको सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। नहीं समझा, टेंशन नो, प्रदीप सर है। ओके तो दोस्तों पहले जो मैंने बताया वो एक बार बता देता हूँ। इन 1817 डोबेराइनर फाउंड सम ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट विच इज सोर्ट सिमिलर प्रॉपर्टी, दिस ग्रुप वेर कॉल्ड एज अ ट्राइड्स। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। सही बात है, थम्स अप, समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इन दिस ट्राइड्स एटमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ द एटमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। ये नहीं समझ में आया होगा, मेरे को पता है पर हूँ ना, टेंशन के लिए मार्कर कहेंगे, यही मार्कर भूल जाता हूँ दोस्तों। चलो ये एग्जाम्पल बुक में दो तीन एग्जाम्पल दिया, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब दोस्तों लिथियम एटमिक मास, ये लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन आगे जाके चेंज होने वाला है, इसलिए लाइन पे ध्यान देना है। इन द ट्राइड्स एटमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द एटमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। ओके क्या बोला, कंट्रोल। सबसे पहले एक बार और, इन 1817 डोबेराइनर फाउंड सम ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट विच इज शोड सिमिलर प्रॉपर्टी, एंड उसी वो जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। इन दिस ट्राइड्स एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। लिथियम एटॉमिक मास ऑफ द लिथियम 6.9 एंड सोडियम 23 एंड पोटेशियम दोस्तों जो होता है 39.1। ओके दोस्तों अब मैं इस वाले सेकेंड वाले को मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ, इन दिस ट्राइड एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, ये दोनों का मीन निकालेंगे इसके बराबर होगा। मतलब ये दोनों का जब हम मीन निकालेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, मिडल एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, मिडल एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, मतलब कि ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास ये दोनों के अप्रोक्सीमेटली मीन के बराबर होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, अप्रोक्स इसलिए लिखा हुआ है। तो मैं करके दिखाता हूँ, सोडियम का हमें निकालना है, मतलब ये दोनों का किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो हम सोडियम का निकालने के लिए हम लोग किसका करेंगे, लिथियम प्लस पोटेशियम
और मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय टू करते हैं। ओके, तो लिथियम का दोस्तों कितना, 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय टू। ओके, अब दोस्तों 9.91 कितना हो गया, मतलब 9.10 यहाँ मतलब टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40 और 6 कितना हो गया, ये 46 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 23। देखो 23, देखो इसको सॉल्व कर, ये दोनों का मीन निकालने का किसके बराबर हो गया, सोडियम के बराबर हो गया कि नहीं, सोडियम के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों को हमने प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, उसका जो आंसर आ गया वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है कि नहीं बराबर। तो यही तो, और ऐसे ही एलिमेंट को उन्होंने क्या बनाया था, ट्राइड्स बनाया था। क्या बनाया था, ट्राइड्स बनाया था, कि दोनों का देखो ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत दिमाग वाले थे दोस्तों। तो इन दिस ट्राइड्स एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली मीन। अप्रोक्सीमेटली मीन क्यों बोला दोस्तों, कभी कभी हो सकता है ये 23 के जगह 29.9 आए तो भी चलेगा, जस्ट आजू बाजू में। तो आप खुद से बना सकते हो, देखो खुद से कैसे बनाओगे, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम्पल के लिए, एक और पॉइंट बना देने का, कैसे बनाने का, दिमाग, एग्जाम में ना दिमाग से काम किया जाता है, मार्क्स दिमाग से निकाला जाता है। ओके, जैसे आप थर्ड पॉइंट यहाँ लिखोगे, थर्ड पॉइंट में ऐसा लिख देना, एटमिक मास ऑफ द सोडियम इज 23। ओके, 23, या तो एटमिक मास ऑफ सोडियम, एटमिक मास ऑफ द सोडियम, क्योंकि आपने को मिडल एलिमेंट ही बोला ना, एटमिक मास ऑफ द सोडियम इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट लिथियम एंड पोटेशियम। ओके, ये लिख देने का और इसको लास्ट में फाइनली एक्सप्लेन कर देने का, इसीलिए क्या हो गया, ट्राइड्स हो गया। दोस्तों समझ में आ गया, एक बार और बताता हूँ, एटमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द वो अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट। ओके, हो गया हो गया, क्या है इसके अंदर हार्ड है, क्या हार्ड है, एकदम सिंपल सा। ओके दोस्तों, अब ये अभी क्यों नहीं है, ये हमारे ये अभी का जो टेबल है ना, प्रेडिक्ट टेबल, उसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, कुछ तो गलत होगा, इसीलिए तो देखो चीजें कैंसिल तभी होती है जब उसके अंदर कुछ मिस्टेक होता है, तो कुछ तो गलतियां थी, तो उन्होंने सही बता दे। देखो जहां तक बताया था स्टार्टिंग इन्होंने किया आपकी बुक में, तो जहां तक बताया था वहां तक बहुत सारी चीजें फॉलो हो रही थी, बट आगे जाके जिन्होंने तीन तीन एलिमेंट को जो रखा था उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं दिखाई दे रही थी। और दूसरा चीज, जो मिडल एलिमेंट है, अगर दोनों एलिमेंट का हम मीन निकाले तो मिडल एलिमेंट के बराबर नहीं था, इसीलिए डोबेर एरर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इनका लॉ क्या हो गया, कैंसिल का ट्राइड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आगे नहीं गया, डोबेर एरर कुड आइडेंटिफाई ओनली सम ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन, मतलब जो उनको पता था उसमें से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को क्या ट्राइड्स बनाया था, ग्रुप बनाया था। अदर ट्राइड डिड नॉट ओबे डोबेर एरर रूल, दूसरे वाले ट्राइड जो उन्होंने ग्रुप बनाया फॉलो ही नहीं कर रहे थे, और फॉलो नहीं करेगा, कोई आके खड़े, भाई सर आपने जो बनाया था ना वो गलत था, बेचारे के पास कोई आंसर नहीं था। और जहां आंसर नहीं होता है समझ लो वहीं आप गलत हो जाते हो। अगर इनके पास आंसर होता, अगर इस चीज का आंसर होता कि ये रूल क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनका रूल अभी तक होता, अभी तक हम उसी रूल को फॉलो करते। बट उनके पास जब किसी ने खड़े होकर, आगे वाला न्यूलैंड है, न्यूलैंड हो सकता है, जाके खड़े होकर बोला होगा कि सर आपने ये जो तीन तीन का ग्रुप बनाया हुआ है, चलो ये तीन ग्रुप तक तो सही जा रहा है पर चौथा ग्रुप सही नहीं जा रहा है, तो बेचारा डोबेरा चुप। अगर डोबेरा ने आंसर उस समय दिया होता तो आज वो हम फॉलो करते, बट डोबेरा के पास आंसर नहीं था, ने बोला भाई यहीं तक फॉलो हो पा रहा है, आगे फॉलो जो ट्राइड्स है वो ट्राइड्स, उन्होंने क्या बताया, ट्राइड्स के अंदर जितने एलिमेंट्स उनकी उनका उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। बट बहुत सारे ऐसे ट्राइड्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। डोबेरर रूल डिड नॉट ओबे डोबेरर रूल हैज द सिस्टम ऑफ ट्राइड्स वाज नॉट यूज्ड, इसीलिए यूज नहीं था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने एकदम स्टोरी की तरह आपको समझाया कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। अब कहानी का नेक्स्ट जो हीरो आने वाला है वो आने वाला न्यूलैंड्स, कौन आने वाला है दोस्तों, न्यूलैंड्स। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।